नमस्कार, मैं हूं प्रबुद्ध सौरभ और कथा भारत के इस अंक में मैं आपके लिए लेकर आया हूं रोटी की क्रांति की कहानी। रोटियों के लिए तो पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर क्रांति होती रही है, लेकिन रोटियां किसी क्रांति का हिस्सा बनी हो ऐसा शायद आपने नहीं सुना होगा। लेकिन यह कोई दूर की बात नहीं है, यह बात अपने भारत की है, यह बात अपने हिंदुस्तान की है। जब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रोटियों का एक अजीब खेल चला था और यह एक ऐसा खेल था जिससे पूरी ब्रिटिश सरकार परेशान हो गई थी और किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। इस रोटी क्रांति या चपाती आंदोलन की चर्चा कर्नल जी बी मिल्सन ने अपनी किताब द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 में खास करके किया है। उन्होंने लिखा है कि होता यह था कि किसी गांव का कोई आदमी कुछ रोटियां लेकर बगल के गांव में जाता था और वहां के चौकीदार या मुखिया या जो भी वहां पर कोई जिम्मेदार व्यक्ति मिलता था उसके हाथ में वह रोटी देता था और उसके कान में एक संदेश देता था कि आप भी रोटियां बनाकर बगल वाले गांव में पहुंचाइए। और फिर वो व्यक्ति रोटियां बनाकर अगले गांव में पहुंचाता था और यही संदेश आगे देता था और यह कहता था कि आप भी रोटियां पहुंचाइए और साथ ही यह संदेश दीजिए कि अगला आदमी भी रोटियों को आगे पहुंचाए। यह सिलसिला लगातार चलता रहता था। मार्च 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी सर्जन डॉक्टर गिलबर्ट हैडो ने अपनी बहन को चिट्ठी में लिखा था कि यहां भारत में कुछ अजीब हो रहा है, यह क्यों हो रहा है किसी को नहीं पता, यह कैसे हो रहा है किसी को नहीं पता, लेकिन रोटियां एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा रही हैं। यह अजीब इसलिए था क्योंकि इसका कोई उद्देश्य नहीं था। कई भारतीय लोगों को गिरफ्तार किया गया, कई जगह से रोटियां पकड़ी गई, जांच की गई कि उन रोटियों के साथ कोई पर्चा, कोई आंदोलन के कागजात, कोई सूचना तो नहीं भेजी जा रही, या रोटियों में कोई कोडिंग तो नहीं की जा रही, या रोटियों में कोई नक्शा तो नहीं बनाया जा रहा। लेकिन कई तरह की छानबीन के बाद भी कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन किसी भी अंग्रेज ऑफिसर को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये रोटियां एक जगह से दूसरी जगह क्यों भेजी जा रही हैं। कई भारतीयों को गिरफ्तार करके पूछताछ भी की गई कि क्या इसका कोई धार्मिक महत्व है या सामाजिक महत्व है, लेकिन सबने यही कहा कि कोई धार्मिक महत्व नहीं है, कोई सामाजिक महत्व नहीं है। यहां तक कि जो लोग रोटी लेकर जाते थे उनको भी पकड़ा गया, उनसे भी पूछा गया, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि हमें रोटी दी गई और हमें कहा गया कि रोटियों को आगे पहुंचाओ और उनसे भी कहो कि रोटियां बनाकर अगले गांव में पहुंचाए। अंग्रेजी सरकार को पूरी तरह से इस बात का शक था कि इसके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र है या एक आंदोलन की योजना है या कोई बड़ा गेम खेला जा रहा है। लेकिन यह क्या था और क्यों हो रहा था यह किसी की समझ में नहीं आ रहा था। दिल्ली के पहाड़गंज के थाना इंचार्ज मोइनुद्दीन हसन खान साहब ने अपनी डायरी में यह बात लिखी थी कि इस तरह का होना अजीब था क्योंकि यह पहले कभी नहीं हुआ था और सबसे बड़ी बात थी कि इसका उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा था। आगरा के मजिस्ट्रेट मार्क थॉर्नबिल ने पहली बार इस बात को दस्तावेज के रूप में अपने सरकारी दस्तावेज में लिखा इस बात को कि ऐसा हो रहा है और क्यों हो रहा है इसका पता किया जाए। पूरी अंग्रेजी सरकार इस बात को जानने के पीछे पड़ गई कि आखिर यह चपाती आंदोलन है क्या और यह क्यों हो रहा है। चपातियां कभी बोरियों में मिलती, कभी थैलों में मिलती, कभी कभी पगड़ियों में मिलती। लोग अपनी पगड़ी में बांधकर दो रोटियां ले जाते और अगले गांव में बोलते कि आप रोटियों को आगे पहुंचाओ। यह अंग्रेजी हुकूमत बुरी तरह से इस सारी प्रक्रिया से डर गई, बहुत बेचैन थी, बहुत परेशान थी, कुछ भी समझ में नहीं आया। और लोगों का यह कहना था, कई लोगों का यह कहना था, यहां तक कि अंग्रेजों के लिए काम कर रहे जो भारतीय सिपाही थे, जो अंग्रेज की पुलिस में काम करते थे, वो लोग भी इस रोटी आंदोलन में भाग ले रहे थे और वो भी कहीं ना कहीं रोटियों को पहुंचाने का हिस्सा बन रहे थे। कहते हैं कि लगभग 90,000 पुलिसकर्मी जो भारतीय मूल के थे वह रोटी आंदोलन का हिस्सा बने थे क्योंकि उन्हें इसमें कुछ गलत नहीं लगता था। उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला था कि यह कोई अंग्रेजी सरकार के या ब्रिटिश सरकार के किसी नियम के खिलाफ है या कोई षड्यंत्र की भनक इसमें हो, ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन यह रहस्यमय जरूर था। और अंग्रेजी सरकार काफ़ी परेशान रही, काफ़ी रिसर्च करती रही, कई तरह के जासूस लगाए गए, लेकिन अंत तक कुछ भी नहीं पता चला। और आश्चर्य की बात यह है कि भारतीय इतिहासकारों को भी, हमें भी, आपको भी, किसी को अंत तक और आज तक यह पता नहीं चला है यह क्रांति क्यों हुई थी। लेकिन यह क्रांति हुई थी और बहुत तेज़ी से फैली थी। उत्तरी भारत में इसका बहुत प्रभाव था, खास करके मथुरा, आगरा, मेरठ के इलाके में और कश्मीर तक और पंजाब तक, काफ़ी दूर तक इसका विस्तृत इसका स्थान था। और
रोटियां इतनी तेजी से तेज गति से ट्रैवल करती थीं कि अंग्रेज सरकारों के लिए आश्चर्य की बात थी कि जो ब्रिटिश मेल सर्विस था उससे कई गुना तेजी से रोटियां एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही थी। ऐसा कहा जाता था कि एक जगह से रोटी निकलती है वो दूसरे गांव जाती है फिर तीसरे गांव जाती है, ऐसा होते होते एक दिन में कई बार रोटियां 300 किलोमीटर तक की यात्रा पूरी कर लेती थी। लेकिन यह एक राज बनकर रह गया, कई किताबों में कई अखबारों में इसका जिक्र है। एक अखबार फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के 5 मार्च 1857 के एडिशन में भी इसके बारे में काफ़ी विस्तृत रूप से छपा था। हालांकि कारण उन्हें भी नहीं पता था और कारण आज तक नहीं पता है कि यह रोटी क्रांति या यह चपाती आंदोलन क्यों हुआ था, लेकिन यह हुआ था। हैरत अंगेज ज़रूर है लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ रहा होगा, चाहे धार्मिक भावना हो चाहे सामाजिक भावना हो। कुछ लोगों ने कहा कि यह इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत के कुछ क्षेत्रों में भूखमरी की स्थिति थी प्लेग के कारण, लेकिन यह भी नहीं माना जा सकता था क्योंकि जिस जिन इलाकों में यह बीमारी नहीं थी, यह समस्या नहीं थी, वहां पर भी रोटियां पहुंच रही थी। तो अंततः यह राज एक राज ही रह गया। लेकिन भारत का एक रंग यह भी है। कथा भारत के दूसरे अंक में एक और कहानी के साथ मिलेंगे। नमस्कार।